साथियों नमस्कार मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं निस्ल जनमत ये बवाल आगजनी ये, आग ये तोड़फोड़ ये छात्रों का गुस्सा किसी समय पूर्व के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर का है 19 दिसंबर को छात्रों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई मारपीट हुई कई छात्रों को चोटें आईं, फायरिंग भी की गई इन तमाम चीजों के पीछे वजह कुछ और बताई जा रही है लेकिन मूल वजह है छात्रों का गुस्सा और गुस्सा इस बात पर है कि तकरीबन आठ दिन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार हैं और यह विरोध प्रदर्शन 101 दिन पहले आमरण अनशन में तब्दील हो गया था छात्र संघ बहाली की भी मांग लगातार चल रही है इसलिए भले ही बहाना पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई बदसलूकी और तारपीट रहा हो लेकिन उसके पीछे मूल वजह यही थी कि तमाम मामलों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मौजूदा कुलपति संगीता श्रीवास्तव लोकसभा में असम के सांसद नावा कुमार सरन जो निर्दलीय सांसद हैं वो इस बात को लेकर सवाल उठा चुके हैं के संगीता श्रीवास्तव की नियुक्ति ही अवैध है हालांकि इस पर एक पूरा एपिसोड बनाया जा सकता है लेकिन संक्षेप में बता देता हूं कि संगीता श्रीवास्तव के तथ्यों की अगर पड़ताल करें तो वो प्रोफेसर बनने भी लायक नहीं थी जिस समय उनको कुलपति बना दिया गया दबे जुबान लोग बताते हैं कि चूंकि उनके पति इलाहाबाद कोर्ट में गुजरात कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं इसलिए वो महिला जिसको संविधा शिक्षक की नौकरी से भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हटा दिया था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के आदेश से प्रोफेसर बनाया जाता है और उसी जुडिशरी के कनेक्शन से बाद में कुलपति बना दी जाती है तो अवैध रूप से नियुक्त संगीता श्रीवास्तव जी छात्रों के मसलों पर विश्वविद्यालय की स्थिति दशा सुधारने के लिए कितना प्रयास करेंगी ये 19 दिसंबर की घटना बयां कर रही है छात्र ये कहते हैं कि विवेकानंद पाठक एस शाखा में जा रहे थे जो विश्वविद्यालय परिसर के अंदर है सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका स्वाभाविक तौर पर विवेकानंद पाठक से कुछ बहस हुई होगी लेकिन आरोप यह है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनको पीटना शुरू कर दिया अपने ही बीच के एक छात्र नेता को पिटता देख तमाम सारे छात्र उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े तब तक सुरक्षा कर्मियों ने जैसा आरोप लगाया गया है फायरिंग शुरू कर दी इस पूरे घटनाक्रम से उग्र हुए छात्रों ने तमाम बाइक फूंक दी फोर व्हीलर फूंक दी खिड़कियों के दरवाजे तोड़ दिए जो जो उनकी नजर में गुस्सा अपना निकालने के लिए चीज सामने आई वहां वहां गुस्सा प्रकट किया असली वजह यही है कि जब छात्र नाराज होते हैं तो उनसे वार्ता के लिए उनको समझाने के लिए उनके किसी मुद्दे पर बात करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अड़ियल रवैया अख्तियार कर लिया है मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं मेरे समय में भी तमाम प्रदर्शन होते थे मगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरीके से छात्रों को अपने बूटों तरह रौनता नहीं था उनके ऊपर सुरक्षा कर्मियों द्वारा बर्बर -बर तरीके से लाठीचार्ज नहीं किया जाता था मगर मौजूदा समय में तमाम विश्वविद्यालय कैंपसों में इसी तरह की तानाशाही व्यवस्था लागू कर दी गई है और छात्र संघ से इन सरकारों को तकलीफ इसलिए है क्योंकि वहां से एससी वर्ग के लोग नेता बन करके आ रहे थे और वही आगे विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो नेता बनने की जो पहली सीढ़ी है छात्र संघ का चुनाव वो ज्यादातर जगह बैन कर दिया गया है इसीलिए विभिन्न कैंपसों में इस समय स्थितियां जो पहले नहीं हुआ करती थी जेएनयू से लेकर डीयू लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहां स्थितियां तनावपूर्ण बनती चली जा रही हैं और छात्रों शिक्षक और प्रशासन के बीच में जो एक अच्छा माहौल होता था वो तनाव की स्थिति में तब्दील होता चला जा रहा है इन सब स्थितियों के लिए निश्चित तौर पर मौजूदा सरकारों की दमनकारी नीति जिम्मेदार है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी राज्यसभा में यह मामला उठाया था मतलब संसद के दोनों सदनों में यह मामला उठ चुका है इसके बावजूद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन कह रहा है कि 400 प्रतिशत फीस वृद्धि को हम ना वापस लेंगे न ही छात्रों से बातचीत करके कुछ कम करने की कोशिश करेंगे मतलब अगर हमने एक बार कोई निर्णय ले लिया तो भले ही तुम प्रदर्शन करो आमण की धमकी दो भू समाधि लेने की धमकी दो कुछ भी करो तोड़फोड़ करो बवाल हो जाए आगजनी हो जाए लेकिन हम अपना तानाशाही पूर्ण फैसला वापस नहीं लेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कुछ भी सैकड़ों दिनों से चल रहा है उस परिस्थिति को देखते हुए तथा कथित सामाजिक न्याय के ठेकेदार बनने वाली पार्टियां नेताओं और बहुजन बात की बात करने वाली पार्टियों पर भी सवाल उठना चाहिए असम से आया हुआ एक निर्दलीय सांसद नावा कुमार सरन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मामला लोकसभा में उठा रहा है कांग्रेसी सांसद इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा में उठा रहे हैं मगर सामाजिक न्याय के तथा कथित ठेकेदारों को समय नहीं है ना सदन में उठाने का ना ही इन छात्रों की सुध लेने का ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के नेता इनके समर्थन में नहीं आए लेकिन बड़े बड़े चेहरे नहीं छोटे मोटे चेहरे छोटे छोटे नेता अपनी सामर्थ्य से इनका समर्थन करते दिखाई दिए जबकि कोई भी मुद्दा बड़ा तब बनता है जब पार्टी के प्रमुख फेस सदन के अंदर या प्रेस वार्ता में पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को उठाए फेसबुक और ट्विटर पर लिख देने से रस्म अदायगी तो हो जाती है लेकिन उन मुद्दों में जान नहीं आती हालांकि छात्रों छात्र नेताओं का पक्ष है कि सुरक्षा कर्मियों ने बर्बरता की है लाठी चलाई है फायरिंग की है जबकि विश्वविद्यालय की तरफ से प्रॉक्टर हर्ष कुमार पी जया कपूर इनका स्टेटमेंट है कि पहले विवेकानंद पाठक ने की शुरू की जिस गेट से उनको घुसने के लिए मना किया गया वो उसी गेट का ताला खुलवाने के लिए अड़े हुए थे उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मार दिया इसके बाद बाद बढ़ा छात्र आ गए तो सुरक्षाकर्मी इकट्ठे हुए और छात्रों को पीटने लगे जबकि छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा हुआ है बाहर के छात्रों का अंदर प्रवेश करना संभव ही नहीं है सुरक्षा कर्मियों की बर्बरता देख करके जब तमाम छात्र बचाने के लिए विवेकानंद पाठक को दौड़े तो उनके ऊपर भी लाठी चार्ज की गई और फिर जब छात्र सुरक्षा कर्मियों की तरफ दौड़े तो उनके ऊपर फायरिंग की गई इससे उग्र होकर के छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी अब दोनों तरफ से एफ दर्ज करवाई गई है छात्रों की तरफ से सुरक्षा गार्डों पर और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से छात्र नेताओं पर बहरहाल बजे कुछ भी हो इस लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो इतना तय है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कैंपसों को भगवाकरण किया जा रहा है तमाम विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलपति बैठा ले जा रहे हैं जिनका मकसद शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने की बजाय विश्वविद्यालयों के कैंपसों का भगवाकरण करना हो गया है इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रशासन और छात्रों के बीच में टकराव की नौबत आ गई है देखते रहिए संजन मत जागरूक और सजग बने रहिए जय विज्ञान जय संविधान जय लोकतंत्र धन्यवाद